गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। योगी कौन होता है? गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार से भ्रमित करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों से हटकर एक परमात्म तत्व के एक परमात्मा के ऊपर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, अर्थात तब तो तू भगत बनेगा, यानी शास्त्र अनुकूल साधक होगा। तो आप जितने भी भक्त हैं, ये सारे के सारे योगी हो जिनको सतनाम प्राप्त हो चुका है, आन उपासना त्याग दी है। तो आप जी के यहां जैसे आप जी के द्वारा किया हुआ दान और भक्त आत्मा यहां आहार करती है, तो ये न जाने कितने जन्मा के पड़े हुए वो थरे सर पत्र पत्र सारे मुक्त हो जाएंगे। ये ऐसा तरीका परमात्मा ने अपना है कि वो जो पड़े हैं तुम्हारे पूर्वज वो भी सुधर जाएंगे, इन उनका भी कल्याण होगा। अब देखिएगा कि एक योगी यानी एक तत्वदर्शी भक्त संत, उस वो अगर आपके घर आवेगा तो कोई जकर चलाओगा भगवान की भक्ति का, यथार्थ ज्ञान उस श्राद्ध करने वाले ने बताओगा। श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा से किया गया धार्मिक अनुष्ठान। तो ये कहां ले गए इसने, ये तो फिर पेट भरण पर आखड़े करे इन्होंने, ये वो श्राद्ध वो जैसे दूसरा बना दिया इन्होंने। तो संत पूर्ण संत होते हैं वो ज्ञान देते हैं, अपनी मजदूरी करते हैं, पहले पूरा ज्ञान समझाते हैं वो क्या कहना चाहता है, भगवान कैसा है, कौन है, और फिर दो रोटी खाएंगे कि तब आदमी उनके, या अपनी आरती उरती करेंगे, सौ प्रकार के अपने क्रियाक्रम करके जब कभी भोजन खाते हैं। तो वो हो सकता है उस प्यारी आत्मा का समझ माजा भाई भक्ति ये करनी चाहिए, ये श्राद्ध नहीं करने चाहिए, इस तरह। तो कहते हैं हो सकता है उन ब्राह्मणों का भी कल्याण करवा दे। एक समय एक रानी थी, भक्त संत रविदास जी की शिष्या होगी वो, और जब तक वो संत रविदास जी कबीर परमात्मा के सर में नहीं आया था, यानी रहते थे साथ ही साथ वो, लेकिन परमात्मा ने भी उनको शरण में लिया नहीं था, क्योंकि रामानंद जी से उनको दीक्षा दिलाई थी। एक ब्राह्मण था और वो रविदास जी के पास गया और कहने लगा, रविदास जी चल गंगा में नहाते हैं। तो रविदास जी कहने लगे, भाई क्योंकि रामानंद जी को परमात्मा कबीर जी ने यह ज्ञान दे दिया था, तो रामानंद जी ने रविदास जी को वो ज्ञान दता रखा था। तो रविदास जी कहने लगे, भाई हमारी गंगा तो हमारा यहीं पर है, सिमरन है, और हम गंगा में नहीं जाते। काफी उसने कहा नहीं मान्य रविदास जी। तो रविदास जी कहने लगे, भाई एक काम करिए। तो ब्राह्मण कहने लगा कि भगत जी कुछ
गंगा में कोई पैसे डालने हो दान पुनकन खातिर दे दे, मैं डाल दूंगा। उसने ना सोचा था ये 2-4 रुपये दे देगा, कुछ मंगा लिए कह देगा डाला गंगा में। तो रविदास जी बोले भाई एक काम करिए, ये ले जा मेरा 1 रुपया और गंगा जी हाथ काट के जो रुपया ले हाथ में पकड़े तो दे आइए ना वापस ले आइए। अब उसने सोचा कौन देखेगा, उड़ा मैं अपने जेब में डाल दूंगा, कह दूंगा दे दिया मैंने वो हाथ में पकड़ा था उसने। अब उसने जाकर एक बार तेने बोल दिया है गंगा मैया भगत रविदास ने आपके लिए 1 रुपया भेजा है, न्यू कहा है हाथ में ग्रहण करे। एकदम हाथ निकला बार और दे दिया। दूसरे हाथ में क्या निकला, एक सोने का सुंदर कंगन, वो पंडित जी को दे दिया और गंगा ने कहा ये उस परम संत को दे देना सोने का कंगन। अब पंडित जी का गया बेईमाना, अग भाई के बेरा फटेगा, रविदास जी ने ठहगा ला जी भीतरली में, और उसने आके राजा को दे दिया। अकाथे पीछे मिलेंगे, राजा ने अपनी रानी को दे दिया। रानी कहने लगी इस हाथ है एक और चाहिए, ये तो जोड़ा होता है। उसके कुछ पैसे दे दिए जिसे भी 20-30-50 रुपये थे उस कंगन के, सौतर महंगे सस्ते होते थे भाव को। अब राजा नौबामण फिर बुलाया, पंडित जी बात सुन एक और लिया नित्रा बकल तारांगे दनी लिया था, क्यों उसा कंगन उसने सारा पटक शर पटक लिया कितना नहीं पाया। वो जब दुखी हो लिया अकी जान बच्चा नहीं, रविदास जी के पास चले शायद वो फिर 1 रुपया दे दे मैं गंगा में दिया और फिर वहां से मिलेगा मुझे। तो फिर रविदास जी के पास गया पंडित जी, कहने लगे भगत जी आज तेरे हाथ में मेरे परिवार की जान है। राजा ने जब वो 1-2 बार नकारा कर दिया जी और तो ना पाता, ने बोला रानी का आदेश है या तो ले या नहीं तेरे पूरे परिवार ने कोल्लू में पीटेंगे। पहले ऐसे जुबान पर कानून होता था राजाओं का, अब वो बढ़ा डर गया। फिर आखिर माया रविदास जी के चरणों में पड़ गया, रोए पड़ा पड़ा। रविदास जी कहने लगे क्या हो गया, क्या हो गया ऋषि जी, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? ने बोला जी जान बचा दो, आज आपके हाथ में मेरे परिवार का जीवन है। रविदास जी बोले वे कहानी बता क्या है? ने बोला जी आपने जो वो रुपया दिया था वो मेरी जान का झाड़ हो गया। रविदास जी बोले भाई कारण बता, मेरा रुपये का कह रहा है, पहले तू ये बता वो रुपया मैया ने लिया कि नहीं तेरी ने? ने बोला जी मैया ने लिया, एक हाथ से रुपया पकड़ लिया, दूसरे हाथ से कंगन दे दिया सोने का। मेरे को आ गया लालच, मैंने दे दिया राजा को, उसने मेरे 350 रुपये दे दिए उसके, यानी उसमें 100 रुपये तो आजकल 1,00,000 रुपये के बराबर थे। अब उसने रानी को दे दिया, रानी ने जिद कर दी कि एक और चाहिए तो जोड़ा होया करे। अब वो दूसरा मैं सारा सर पटक लिया, मुझे मिल नहीं रहा, राजा का आदेश है जो दूसरा नहीं लेकर आया था मेरे पूरे परिवार को खत्म करेगा। नो बोला 1 रुपया और दे दे मैं गंगा मैया ने देकर ले आऊंगा। नो बोला इससे वो जहां वो जूते बना रहा था ना रविदास जी, वहां एक कुंडा होता था पानी का, एक कुंडा सा पानी का होता था जैसे डोंगा टाइप, मिट्टी का जमीन में गाड़ दिया करते, उसमें से डोरी गिल्ली रखते थे वह और जूते गांठ बनाते थे ना उसमें गिल्ली गोरी गोरी, उसमें वो चाम भी भेकर रखते थे, चमड़े को भिगो कर रखते थे। पहले जो ये चमार जो जूते बनाते थे ये जीव हिंसा का किया हुआ चाम नहीं लेते थे, कोई स्वाभाविक को पशु मर जाता था उसी का चाम उतार के, यानी वो पाप के भागी नहीं होते थे, तो उसमें चाम भी भिगोया करता था चमड़ा कुंड में। तो रविदास जी बोले इस कुंड में हाथ देकर काट ले जितने कंगन चाहिए। अब पंडित जी पहले तो दूर बैठा था एक लत कपड़े से बोझ के, और मरता क्या नहीं करता वो हाथ दे दिए उसमें उस चाम के पानी में, हाथ मारा तो उसके अंदर से 3-4 कंगन आए एक जैसे, वो बिल्कुल डिटो कॉपी। अब रविदास जी बोला बाकी यही डाल दिया ना और समझ आ जाएगी तेरी, एक ले जा अपना। अब उसने तो कलदा पाटन हो रहा था वो तो लेकर चला गया।
अब वो रानी ने पूछा भी तू लाया कितने पल डनाटे था, सच्ची बता, उन्होंने सारी कहानी बता दी। तो वो रानी इतनी प्रभावित हुई ऋषि जी तय उससे, रविदास जी से, उन्होंने रानी ने उसको गुरु बना दिया रविदास जी को। और एक दिन फिर धर्म भंडारा किया, एक भोज देना चाहा उसने कोई लड़के की पार्टी पूर्टी करके, जन्मदिन वगैरह का। उसमें 700 तो ब्राह्मण आ रहे, ब्राह्मण पंडित जी, और उधर से एक गुरु जी को भी आमंत्रित करना जरूरी था कि गुरु के बिना कोई अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। रविदास जी को बुला रखा, रविदास जी को रानी ने आदर सत्कार से अलग से एक सुंदर आसन बिछा कर उसके ऊपर विराजमान कर रखे। उधर से ब्राह्मणों को न्योता दे दिया, सामने ब्राह्मण 700 ब्राह्मण आकर और पंक्ति बनाकर भोजन के लिए पोजीशन पकड़ गए, और उधर से भोजन परोस दिया, सामने भोजन परोस दिया। जब तक भोजन नहीं आता ना, इतना नीत रहा अगर केले होंगे, जलेबी आओगी, लड्डू आओगी, वो ध्यान नहीं रहता कौन कित बैठा है। जब पूरी थाली भर ली, जब देखा उन्हें इधर उधर करके, उन्हें देखा रहा यू चमार बैठा है यहां पर, सारे खड़े हो गए। न बोले रानी तने हमारी बेइज्जती कर दी है, हम भोजन नहीं करेंगे। अब ये चमार यहां बैठा रखा है तन तो हमारा दीन भ्रष्ट कर दिया, हम ब्राह्मण है। अब रानी कहने लगी ब्राह्मणों रोटी खानी है तो खा लो ना, मेरे गुरु जी तो यहीं बैठेंगे, ये नहीं उठेंगे यहां तक। अब रविदास जी कहने लगे रानी बात सुन बेटी, आय अतिथि का अनादर नहीं करते, पाप लग गया करे। रविदास जी खड़े हो गए और कहने लगे विप्रो मैं अपने औकात भूल गया था, मेरा स्थान तो आपके जूतों में है, मैं वहां बैठता हूं जाके, आप भोजन पाओ, रुष्ट ना हो, इस बच्ची को दोष लग जाएगा। अब रानी मना करती है और गुरु जी कह रविदास जी कहने लगे बेटी गुरु का आदेश पालन होता है, आप मत बोलो। अब वहां जाकर बैठ गए जहां उन्हें जूते निकाल रखे थे, रविदास जी वहां बैठ गए अपना भजन कर रहे हैं। अब वो पंडे लागे छक्कन पे रोटी फटाफट, अब प्रत्येक पंडित के साथ में एक रविदास भोजन खा रहा है, 700 पंडित और 700 रविदास जी रूप बन गए और उनके साथ में रोटी खा रहा है। वो सामने वाला पंडित कहता है अरे तेरे साथ ये चमार रोटी खा रहा है, रविदास कहता तेरे साथ भी तो खा रहा है, वो कहता तेरे साथ भी तो खा रहा है। अब सारे कूद कूद पड़े हैं। रविदास जी कहते हैं ए ब्राह्मणों मेरी और इंसल्ट मत करो, मैं तो देखो यहां बैठा हूं, मुझे बदनाम मत करो, वहां देखा सचमुच वहां भी बैठा 700 रूप में उनके साथ खड़े। तब रविदास जी खड़े हुए ने बोले पेट भरो, तुमने ना तो भगवान का बेरा, तुम तो पेट पेट भरण की काठे काले रहो। कहने लगे तुम इस जनेऊ से मोटे मोटे टांग रखे नो, तो परमात्मा रविदास जी बोले जनेऊवाद मुक्ति ना हो भाई, भक्ति से मोक्ष होगा, और तुम जनेऊआ चाहते हो। कहते अपना एक हथियार गेल ले रहे थे चाम छोलन का, इतनी लंबी खुरपी सी वैग रहे, वो कहते हैं वो तो एक लीला थी कौन सी, खाल पाड़े थे एकदम नो करके दिखा दिया। नो बोले देखो मेरे अंदर सोने का जनेऊ है भाई, तुम तो इस सूत का बोझ मरो। तब कहते हैं 2 घंटे तक प्रवचन किए उस पर संत ने, वो 700 के 700 पंडितों ने वो जनेऊ काट कर फेंक दिए, रविदास जी के चरणों में शीश समर्पण कर दिया, नाम ले लिया। गरीबदास जी ने लिखा सवामन सूत होया था उनके गलामिया का, सवामन सूत, और उनने उन 700 पंडितों का उद्धार कर दिया। तो यहां क्या बता रहे हैं, वही बता रहे हैं ये विष्णु पुराण, कि यदि एक सत साधक के सामने 1000 ये पेट भर श्राद्ध खानिये भी बैठे हो, उनका भी उद्धार और श्राद्ध यजमान का भी यानी भगत का भी उद्धार वो एक ही योगी कर देता है। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु बैद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे,
भाई जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बड़ी खासी, जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बड़ी खासी, आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु को यही न पूज इन झूठो जगपतिया सी, सच्चा सतगुरु को यही न पूज इन झूठो जगपतिया सी, अंधे की बां गई अंधे नय मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जग सारा जिन सतगुरु भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए किया ना तत्व विचारा, देखा देखी गुरु शिष्य बन गए किया ना तत्व विचारा, गुरु शिष्य दोनों के सिर पर युकाल ठोक पंजारा, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी गस गस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी गस गस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सत्कर्मा नो ये जन्म मरण मिट जावे, जग उगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग जग सारा रोगिया रे जिन। अब परमात्मा यही बताते हैं कि सारा जग जन्म और मृत्यु के रोग से ग्रस्त है, पूरा विश्व पूरा संसार जन्म और मृत्यु के रोग से ग्रस्त है, और ये आने और जाने की आवागमन की डोर गड़े हुए, या कहते हैं सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी बंदे सभी निरंजन डोरी, सब काल की डोर से बंधे हुए हैं, और जन्म मृत्यु का रोग ब्रह्मा विष्णु महेश तक लगा हुआ है, ये भी जन्म और मृत्यु में आते हैं, इनका जन्म मृत्यु होता है। अब यहां बात अटक जाती है, जो प्रथम बार कोई पुण्य आत्मा सत्संग सुन रहा होगा, क्योंकि हमारे श्रद्धालु भक्त अपने मित्र को रिलेटिव को या किसी और साथी को सहेली को बहन बेटी अपनी कोई रिश्तेदार को समझाते हैं, वो नहीं मानते दिखते हैं तो उनको भुलो चपलो गए, ये कहते हैं कि तुम सत्संग सुनो एक बार चल के, तो यहां आने के बाद फिर उसको क्लियर हो ही जाता है कंसेप्ट। एक भक्त है हमारा परमात्मा का भक्त नेपाल से, उसने एक अपने वो डॉक्टर है अच्छा अधिकारी उससे कहा कि आप हमारे गुरुजी का सत्संग सुनो, वो कहने लगा नहीं पहले आप मेरे गुरुजी के पास चलो, उसने कोई गुरु मां नामक कोई गुरु है वो बना रखी थी, तो वो कहने लगा हमारा भक्त की पक्की बात होगी मैं आपके वहां चलूंगा, आपके गुरुजी का सत्संग कभी बहुत दूर है समय है, पहले हमारे गुरुजी का सत्संग एक बार वहां चलो आप, फिर हम आपके वहां चलेंगे। अब उसने यहां ले आया, अब उसने 3 दिन बैठ कर नेपाली ने सुना सत्संग परमात्मा का, ओहो उसने नाम ले लिया। अब वो फिर मेरे पास आए, दोनों कहने लगे जी मैं तो
इसको ले गया था, ले जाना चाहूं था अपने पास वहां, और यो ले आया मुझे यहां। तो वो जो भगत था हमारा वो कहने लगा, मुझे पता था कि एक बार डॉक्टर जी यहां आ गया तो फंस जाएगा। तो वो डॉक्टर कहता है मैं तो सही फंस गया, और मुझे फंसना चाहिए था, मैं गलत जगह लाग रहा था। कहते यहां तो हाथों हाथ सच्चाई है पर कसर के रहेगी, सामने प्रत्यक्ष प्रमाण रहे, बताइए इसमें शंका को स्थान कहां है। और इतना देख के भी नहीं मानो तो मूड आदमी होता है, जानबूझ साची तजय कर झूठते ने अर्ता की संगत है प्रभु स्वप्न में भी ना दे। अब यहां आपको फिर दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, क्योंकि एकादशी सा भी पा जाएगा तो आज फंस जाएगा, इसलिए रह कर ये प्रमाण दिखाने पड़ते हैं, आवश्यक है ये, क्योंकि ऐसा ही था। जैसे पहले शुरू करते हैं एक भगत को, ऐसा ही को 10-20-50-100 अवश्य आए होते हैं, क्योंकि अब तो विस्फोट हो लिया भगवान की वाणी का और महिमा का सब जगह, और सच्चाई तो अपना स्थान बनाती ही है। अब देखिएगा श्रीमद देवी भागवत, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनके भी जन्म मृत्यु का रोग लगा हुआ है। ये है श्रीमद देवी भागवत, पर संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, प्रकाशक है एमएम मुद्रक, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद दोन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पर ही काफी कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तीसरा स्कंद, ये तीसरा स्कंद है, यहां 123 पृष्ठ पे विष्णु भगवान अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहा है। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है, हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव बिन मृत्यु होता है, हम तो जन्मती जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है, केवल तुम ही नित हो, नित माने अविनाशी, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रगट हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर, यानी ब्रह्मा विष्णु और शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर थे। इससे एक सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, अविनाशी नहीं है। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे। अब ब्रह्मा विष्णु महेश तक को भी यह जन्म मरण का रोग लगा हुआ है। आज प्रसंग चल रहा है कि सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छिड़े किसाना। अब अभी तक जो ज्ञान आप सुन रहे हैं कि अब श्राद्धों के विषय में आपने पढ़ा, देखा, आंखों देख लिया। अभी विष्णु प्राण में श्राद्ध के विषय में एक और प्रकरण दे रखा है कि श्राद्ध में भैंस का दूध प्रयोग नहीं करना चाहिए, उससे श्राद्ध लगे नहीं। फिर आपके पितर तो रह गए बिना श्राद्ध के, भी गाय तो अब रही कोई ना, गऊ तो बहुत अभाव हो गया, सब दूध श्राद्ध भैंस का ही प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा ये यही विष्णु प्राण गीता प्रेस गुरु से प्रकाशित है, इसके 214 पृष्ठ पे है। अब 213 तो आपने पढ़ लिया, ये देखिएगा ये है तृतीय अंश, वही चल रहा है ये तृतीय अंश, और अध्याय नंबर ये 16 जो अभी आपने पढ़ा था 213 पे। ये और कमाल दिखाऊंगा आपने, इन जीव के चठोरे ने के जुलम कर रखे है। पुणात्मा भक्ति करना कोई कठिन बात नहीं है,
ज्ञान समझ माना चाहिए। जब जल डटेगा एक एक जगह स्थिर होगा एक परमात्मा पे, नहीं तो आप वैसे भटकते रहोगे। आपको दृढ़ करने के लिए दास ने का यही प्रयत्न है कि आपको रंग दो इसे रंग में, क्योंकि आप सब बालक नहीं है, समझदार हैं, बालक भी समझदार हैं। अब पांचवी छठी कक्षा के बालक की कंप्यूटर चलाने लगे तो आत्मिक कंप्यूटर ने गमोड़ न देंगे। अब देखो आपने ये पढ़ा था 213 पृष्ठ पे तीसरे अंश में और ये 16वें 15वें अध्याय में कि ये राजन श्राद्ध करने वाले पुरुषों से विश्वदेवगण पितृगण मातामह है यानी दादी और कुटुंबी जन सभी संतुष्ट रहते हैं जो भूत बन गए। हे भूपाल पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन यदि श्राद्ध भोजी एक सहस्र ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। ये तो उदाहरण आपको दे दिया, रविदास जी ने उन 700 कारगिल रानी का उद्धार कर दिया। आगे देखो 16वां अध्याय औरव बोले, औरव ऋषि बता रहे हैं कि हवि मत्स यानी मछली, ससाक ससक खरगोश, नकुल शुक्र सूर और छाग, कस्तूरिया मर्ग, कृष्ण मर्ग काला मर्ग, गवय यानी वन गाय, वो नील गाय बोलते हैं ना वन गाय, और मेष यानी भेड़ के मांस से तथा गव्य तरह के देवी है। यहां देखना संस्कृति इनकी, इन्हें गाय का मांस इसका अर्थ है लेकिन इसने घुमोड़ दिया थोड़ा सा, अनुवाद कर गलत कर दिया। गव्य गौ के घी दूध आदि से पितृगण कर्म से एक एक मास अधिक तृप्त तृप्ति लाभ करते हैं और वर्घणी वर्घणी पक्षी के मांस से सदा तृप्त रहते हैं। ये और मीठा होगा कि मैं स्वादिष्ट होगा इनके लिए। और हे नरेश्वर श्राद्ध क्रम में गेंडे का मांस काल साक और मधु अत्यंत प्रशस्त और अत्यंत तृप्तिदायक है। अरे वाह, जिसने जो जी चठोरी थी वो बढ़िया बता दिया कि गंडे का मांस हो जाता कहना है अगर गेलो शायद जी पंगारी दर्दे न गए। अब देखो इसमें स्पष्ट लिख रखा है ये जो इसका अनुवाद है कि हवि मत्स्य ससाक और ये गव्य है। यहां देखो हवि मत्स्य सस्य नकुल से शोकर यानी सुअर और यहां गवयर ये है गवर और गवयन और ये इसके विषय में यहां लिखा है। अब हिंदी पढ़ेंगे क्योंकि यहां गवयन यानी ये मांस के लिए ही लिखा सारा कुछ। इन्होंने डरत्या न कदे कोई हिंदी पढ़ लेने को मांस का गां का मांस खाने का लिखा है और हिंदू थरा शर फोड़ दे तो इसलिए यहां कर दिया गौ का घी दूध लिख दिया बाकी मांस अड़ घी दूध का जिक्र नहीं है कितना। ये तो मांस के ऊपर प्रकरण है तो गाय का मांस भी इन्होंने लिखा है कि वो भी खाना चाहिए थरा। फिर मुसलमान ने बुरे क्यों बताना थे भाई हम, ये तो कसाई घराए बैठे थे दुश्मन ये ऐसे प्रकरण लिख कर चले गए हमारे लिए। यहां देखो आगे, अब यहां देखो ये 214 पृष्ठ पे और वही 16वां अध्याय चल रहा है, 15वां पढ़े 16वां चल रहा है। यहां देखो इसमें भैंस का दूध श्राद्ध में प्रयोग नहीं होना चाहिए और सारे भैंस के दूध तो श्राद्ध काटने तुम तो वो भी नकली काम तुम्हारा। ये देखो हे राजन जो रात्रि के समय लाया गया हो अप्रतिष्ठित जलाशय का हो यानी शाम का पानी और जिसमें गौ तृप्त न हो सकती हो ऐसे गड्ढे का अर्थात दुर्गंध या फेन युक्त जल श्राद्ध के योग्य नहीं होता। एक खुर वालों का ऊंटनी का भेड़ का मुर्गी का तथा भैंस का दूध श्राद्ध क्रम में काम न ले। बताए क्या तो काटोगे श्राद्ध गए काम तय, इसलिए आ जाओ बंदी छोड़ की शरण में बेड़ा पार हो जाएगा। अब आपको दिखाते हैं अब ये तीर्थों के बारे में, ये तीर्था बड़े डोया करते वह तीर्थ क्या थे। इसमें ऐसे ऐसे भी उद्योग प्रकरण लिख रखे सुना त्याण विश्रमा हमने
अब ये तीर्थ क्या चीज है? अब इन तीर्थों का ऐसा प्रकरण है कि कहीं पर किसी साधक ने बैठ के किसी इष्ट की या जैसे भी उसको साधना प्राप्त थी, उसने वहां यानी किसी तालाब का आश्रय लेकर, नदी या झील का, अपनी तपस्या साधना की, जैसा भी अनुष्ठान उसको पता था। अब उसने जो भी डड़े ढोए थे यानी जहां तक की भी साधना की थी, किसी स्वर्ग की या महास्वर्ग की, वो तो करके साधना चला गया वहां से, जहां जिस लोक में जिस इष्ट के पास उसने जाना था। अब बाद में वहां के रह गया, कुछ नहीं रहा, एक यादगार रहेगी। और अब क्या बताते हैं कि उस तीर्थ पे ऐसे ऐसे उस ऋषि ने तपस्या की थी, वहां राजा जनक ने यज्ञ करे थे, इसलिए वो जनक तीर्थ बन गया। अरे बने आदमी हो। अब जैसे हम यहां सत्संग कर रहे थे, पहले ये दास जगह जगह सत्संग करने जाते थे, नगर नगर में खुले समागम करते थे पांच पांच दिन के, और उस शहर में हमने सत्संग किया, जो सत्संग सुनने आए वहां उनके लिए भोजन भंडारा फ्री होता है, वहां सत्संग करके हम आगे चले गए, तो वहां के छोड़ आए वो भट्टी ईंटा के बनाए हुए चूल्हे, और कोई व्यक्ति कहे बाद में कि यहां रामपाल महाराज का सत्संग हुआ था, देख यहां अलवा बना था, यहां पूरी बनाई थी, यहां बूंदी बनावे थे हैं, और यहां भंडारा कराया था, अलवा भी बना रहे थे देसी घी का। अब वहां ना तो अलवा ना पूरी और ना संत रामपाल का सत्संग, वो तो एक स्थान है, वो भट्टी वो चूल्हे माटी के ईंटों के, वो खाली खोखा है। अब वहां चक्कर काटने से क्या सत्संग वाला लाभ या वो हलवा पूरी मिल सके? नहीं मिल सकती। अब तो वो नहीं ढूंढना चाहिए, रामपाल महाराज का सत्संग हो की तरह है, तो वहां ज्ञान भी मिल रहा है और बढ़िया खान पान भी मिल रहा है। तो ये तीर्थ जो बना रखे थे वहां नो के वहां चला जाओ तो उस पर ये लाभ हो जाए। अब यहां देखिएगा, एक पुरूरा तीर्थ, पुरूरा तीर्थ, इसके विषय में क्या बताया है, एक पुरूरा नामक राजा था और वो ब्रह्मा जी की सभा में चला गया। वहां ब्रह्मा जी की लड़की सरस्वती बहुत सुंदर थी, वहां बैठी थी, और जब तक इस प्राणी को तत्व ज्ञान नहीं है, नए बकवाद की तजावड़े बकवाद की गिठड़ी बांध जाकर, तो उस राजा ने एक बांधी अपनी नौकरानी के माध्यम से पता करा ये लड़की कौन है, तो उसको पता चला ब्रह्मा की लड़की है, तो उसने संदेशा भिजवाया कि आप मेरे साथ गलत संबंध करना चाहते हो, तो उसने स्वीकृति दे दी ब्रह्मा की बेटी ने। वह दोनों वहां से निकल गए, कोई हजार वर्षों तक एक नदरिया के ऊपर किनारे पर वो बकवाद करते रहे। एक दिन ब्रह्मा जी ने देख लिया, ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, और वो वहां फिर कहते वह लड़की थी ना उसकी, वह तो दरिया बन गई, नहर पानी बन गया, कर्म ठोको और दरिया डूब के मर गई होगी शर्म की मारी। और फिर पूर्वा ऋषि ने वहां बैठकर तपस्या की, वो तपस्या के करता होगा, उसके वियोग में बकवाद घड़ी होगी उसने, तो कहते वहां जाने पर सब दुख दूर हो जाते हैं, उनकी कथा सुनते ही पाप लगे, तो हम दुख दूर की बात करते हो इसे पापियों की। थरा गजब हो गया। आप थोड़ी सी झलक दिखाता हूं, देखो ये है ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये वही गोमंत भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 172 पृष्ठ पर, 172 पृष्ठ पे संक्षिप्त ब्रह्म पुराण, ब्रह्मा जी कहते हैं, आगे देखो, उससे आगे पुरूर्वस नामक तीर्थ है, उसके दर्शन की बात तो यह है कि श्रमण मात्र से पापों का नाश हो जाता है। और थरा गज हो गया, लेकिन उसका उस तीर्थ को याद कर लें जब भी पाप नाश हो जाते हैं। एक समय राजा पुरूरवा ब्रह्मा जी की सभा में गए, वहां देव नदी सरस्वती ब्रह्मा जी के पास बैठी हंस रही थी। वह रूपवती देवी को, उस रूपवती देवी को देखकर राजा ने उर्वशी से पूछा, ब्रह्मा जी के पास यह रूपवती साध्वी स्त्री कौन है?
यह तो सबसे सुंदर युवती है और अपने सौंदर्य के प्रकाश से इस सभा को उद्दीत कर रही है। उर्वशी ने कहा, ये कल्याणमयी ब्रह्मा कुमारी देव नदी सरस्वती है, ये प्रतिदिन आती जाती रहती है। यह सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने उर्वशी से कहा, इसको मेरे पास बुलाओ। उर्वशी ने जाकर राजा का संदेश सुनाया। सरस्वती ने स्वीकार कर लिया तथा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वह पूर्वरा के पास आई। राजा ने सरस्वती नदी के तट पर उसके साथ अनेक वर्षों तक विहार किया, मौज मस्ती की। यह देख मैंने, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तप सरस्वती को साप दे दिया। मेरे साप के कारण वह मृत्यु लोक में ही लुप्त हो गई और कहीं दिखाई नहीं देती। जहां सरस्वती नदी गंगा में मिली है, वहां पहुंचकर राजा पूर्वा ने तपस्या की और महादेव जी की आराधना करके गंगा जी के प्रसाद से संपूर्ण अभीष्ट प्राप्त की कर लिया। तब से उस स्थान का नाम पूर्वा तीर्थ है। सरस्वती संगम और ब्रह्म तीर्थ पड़ गया। वहां सिद्धेश्वर नामक प्रसिद्ध महादेव जी रहते हैं। वह तीर्थ समस्त कामनाओं का देने वाला खरा सरस है। बेकूप देखी से मूर्ख बनाए रखे। अभी न पढ़ त्याना भी शर्मान लागी हमने। हम पहले इसी नशर पर डर रहे थे, इसे डंगे पर रखे इस पुराणों में ऐसे मूर्ख बना गए नकली संत में। अब देखो, तीर्थ वो स्थान है जहां किसी ने कोई साधना की। चल किसी ने थोड़ी बहुत साधना कर भी ली तो वो लेकर चला गया अपने पुण्य को वहां। अब जैसे किसी ने, कई अच्छे स्थान भी हैं, जैसे राजा जनक ने दिखाया कि कई हजारों यज्ञ करिए स्थान पर। वहां पानी पुणी का अच्छा प्रबंध था, बढ़िया दरिया थी और काफी लोग वहां आते थे राजा के। उसमें धर्म यज्ञ की उसने, अच्छी बात है, वो कर गया तो राजा जनक ने कर लिया, वो तो ले गया अपने पुण्य को स्वर्ग में। अब वहां उस स्थान पर क्या रह गया, कुछ भी कोना। जैसे किसी ने एक अपने साथ वाले मकान पर एक अमाम दस्ता मांग दिया और उसने क्या किया कि उसमें कुछ अपनी सुगंधित सामग्री कूटी और सामग्री को कूट के उस पोंछ के धो के वो अमाम दस्ता उनका वापस सौंप दिया। अब उस अमाम दस्ते में वो सामग्री सारी निकालने के बाद भी महक रहेगी। वो महक उस कमरे में आ रही है जहां वो हमाम दस्ता रखा था। तो उस परिवार वाले उसमें जाते हैं, कहते हैं महक किस चीज की आती है, तो उन्होंने देखा हमाम दस्ते में से आ रही है और उनको पता था कि कोई पड़ोसी ले गया था, उसने कोई अपनी सुगंधित सामग्री इसमें कुट्टी छेती है। कुछ दिनों हुआ बिना रही, महक भी खत्म होगी उसकी। अब जैसे उस वास्तविक वस्तु का लाभ उठाने के लिए उस पड़ोसी की तरह सामग्री लाओ और कुटो और फिर पूरा लाभ उठाओ, ये वो तीर्थ तो हमाम दस्ता खाली। वहां ऋषि था, वह अपने कूट का बना का भक्ति जो चला गया उस हमाम दस्ता में, केसू गण जाएंगे क्या लेंगे, वैसी ही क्रिया आप यहां बरवाला कर लो। ये तीर्थ हमारे लिए, ये साधना हम कर रहे हैं, हमारा ये तीर्थ है। अब देखिएगा श्रीमद देवी भागवत में बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब देखिएगा श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये वही है, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। अब बार बार क्यों दिखाना पड़ेगा, देखो ना, सोचा ये नकली छाप रहे हो अपनी पेटा ना, पर विश्वास ना हो बच्चे गए। गीता प्रेस गोरखपुर प्रकाशित है, गोविंद मुन कार्यालय कोलकाता स्थान। एक बार ये दास वहां नासिक में सत्संग कर रहे थे, नासिक महाराष्ट्र में। वहां टेंट ला रखे हम भक्ता ने, सत्संग हो रहा है, दो चार बुढ़े और आ गए सत्संग श्याम के समय। जब ये दास कहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है तो नो अकड़ हुए, अब ये कौन आ गया। और फिर दास ये दिखा दे, पहले ये दास ऐसे कर रहा था, नो ऊपर से दिखा दूं सानू, देखो देवी। पहले ऐसे था हमारे पास, ये सिस्टम ऊपर वाला नहीं था, प्रोजेक्टर पर आता था कि देखिए ये ऊपर से दिखा के गीता प्रेस गोरखपुर ये नो का नो, और फिर अंदर चला जाता था जहां हमने प्रकरण दिखाना है। तो बुढ़े नो कहे आपस में, ये षड्यंत्रकारी है, ऊपर जल्द जल्द अपनी बना रहा है, अंदर तो ना दिखाता। कुदरती फिर मेरा याद आ गई, वो स्वाभाविक, वहां हमारे भगत तो रहते थे, बैठते थे उनके साथ, हमारे भक्त यहां से
तो फिर जब मैंने ये अंदर से भी दिखाया ना, ये हनुमान प्रसाद पोदार चमन लाल गोस्वामी बूढ़े न्यो कर क्या करते हैं डेली वही है, अपनी में देखांगे जाकर, यानी फिर भी पेटा ना बढ़ा कि हम अपने वाले प्रश्न नोट करें, सकंद नोट करें। अगले दिन वो सारे न्यो के न्यो पाए, बूढ़े डीले हो गए। फिर अब देखिएगा, आपको दिखाते हैं, निचोड़ कर रखा है इन्होंने भी सच्चाई जो परमात्मा बताते हैं, इन्होंने सारे डले डुबा कर लास्ट में कहनी पड़ी बात, लेकिन उसका किसी का असर नहीं, स्वयं भी असर नहीं। उनका जो लेखक है व्यास जी इज द राइटर ऑफ पुराण एंड वेद एंड गीता जी, ये उनका राइटर है, लेखक है, लेकिन असर इसका भी कोई ना। इसमें निशान ला रखे हैं, ये वही है, ये है छठा स्कंद और पृष्ठ नंबर 416 पे श्री संशिव देवी भागवत। व्यास जी कहते हैं, अब व्यास जी कहते हैं, यहां बताते हैं, बद्री का आश्रम अत्यंत पवित्र स्थान है, यह बात सर्वत्र प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर रहकर नर और नारायण नामक दो मुनियों ने कठोर तपस्या की। वामनाश्रम और सत्योपाश्रम भी प्रसिद्ध हैं, जो मुनि जहां रहकर तपस्या कर चुके हैं वह स्थान उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब पता लगे ना तीर्थ किसे कहते हैं। राजन इस प्रकार असंख्य पवित्र स्थान भूमंडल पर हैं, मुनियों ने इन सबको अत्यंत पावन बतलाया है। भूपते इन स्थानों में प्राय सर्वत्र भगवती जगदम्बा के मंदिर हैं। कुछ ऐसे तीर्थ भी हैं जिनका नियमित दर्शन कर लेने से पापों का उच्छेद हो जाता है। ये भी नशे बोला ना करा व्यास जी भी, आगे देखियो खुद कह रहा है कि इनके दर्शन कर ले, इन नियमित दर्शन कर लेने से पापों का उच्छेद हो जाता है। उन तीर्थों का प्रसंग आगे चलकर वर्णन करूंगा, आगे देखो। और फिर क्या कह है 417 पृष्ठ पे क्या कह रहा है, राजन यह निश्चित है कि तीर्थ देह संबंधी मैल को धोकर साफ कर देते हैं, किंतु मन के मैल धो देने के लिए उनमें शक्ति नहीं है। वाह भाई वाह। चित्त शुद्ध तीर्थ गंगा आदि तीर्थों से भी अधिक पवित्र माना जाता है। ये चित्त शुद्ध तीर्थ, ये सत्संग है परम संत का। यदि भाग्यवश चित्त शुद्धि तीर्थ सुलभ हो जाए तो मानसिक मल के धुल जाने में कोई संदेह नहीं, परंतु राजन इस चित्त शुद्धि तीर्थ को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी पुरुषों के सत्संग की विशेष आवश्यकता है। वेद शास्त्र व्रत तप यज्ञ और दान से चित्त शुद्धि तीर्थ का प्राप्त होना बहुत कठिन है। वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र थे, उन्होंने वेद और विद्या का सम्यक प्रकार से अध्ययन किया था, गंगा के तट पर निवास करते थे, तथापि द्वेष के कारण विश्वामित्र के साथ उनका वैमनस्य हो गया, बैर हो गया, और दोनों ने परस्पर साप दे दिया और उनमें भयंकर युद्ध होने लगा। राजन व्यास जी कहते हैं, व्यास जी बता रहे हैं, राजन इस प्रकार वशिष्ठ और विश्वामित्र का परस्पर युद्ध छिड़ गया था, जिससे उन दोनों का ही महान कष्ट दोनों को ही महान कष्ट भोगना पड़ा। नरेंद्र दानव मानव एवं देव योनि से संबंध रखने वाले कौन ऐसा व्यक्ति जगत में है, रखने वाला देव योनि से संबंध रखने वाला ऐसा व्यक्ति कौन जगत में है जो अहंकार पर विजय प्राप्त करके निरंतर सुख से समय व्यतीत करता है। इससे सिद्ध हो रहा है कि श्रेष्ठ पुरुषों के लिए भी चित्त का शुद्ध होना बड़ा कठिन है, अतः सम्यक प्रकार से चित्त को शुद्ध कर लेना ही परम आवश्यक है, अन्यथा तीर्थ सत्य दान तथा धर्म के जितने साधन है वे सब के सब कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकते। अब कितना क्लियर हो गया। अब आखिर में व्यास जी ये कहना चाहते हैं कि चित्त शुद्धि तीर्थ यानी परम संतों का सत्संग, परम संत का सत्संग
ये मिलना चाहिए जो मन के मैल न धो दे। और ये मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वशिष्ठ मुनि ने वेदों को पढ़ा और फिर विश्वामित्र ने भी वेद पढ़े, दोनों विद्वान, और दोनों का झगड़ा हो गया छोटी सी बात पर। किस बात पर हुआ? कि वशिष्ठ मुनि जी विश्वामित्र को कहते थे कि आओ राज ऋषि, क्योंकि उन्होंने राज्य त्याग कर साधना प्रारंभ की थी, उनमें अभी अहम था। अब इसी बात पर विश्वामित्र और वशिष्ठ का झगड़ा हो गया। विश्वामित्र ने वशिष्ठ मुनि जी के कल तो उनका आपस में लठबाजा, फिर विश्वामित्र ने वशिष्ठ के 100 बेटों की हत्या कर दी। ओ अरे मैं ऋषि हो, 100 पुत्र मार दिए वशिष्ठ के। अब वशिष्ठ की पार भी ना बसाव थी कि वो तगड़ा था, राजा से राजपद से आया था, इसलिए अपना शांत रहना उसने उचित समझा। तो कहने का भाव ये है कि अप्रसंग दूसरा चल रहा है, यहाँ वो कथा सेट नहीं होगी, इसलिए दास क्या कहेगा। तो कहने का भाव ये है कि ये दोनों विद्वान बतावे थे और आपस में इनका लठबाज गया, कितना जुल्म कर दिया, बहुत दिनों तक युद्ध हुआ इनका। अब यहां वशिष्ठ जी कहते हैं, व्यास जी कहते हैं कि ऐसे संत भी मिलने बहुत मुश्किल है जो कति मन का मैल धो दे। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक इन तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भक्ति करने वालों के विषय में बताया है कि ये भी व्यर्थ है। और फिर अपनी साधना गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि मेरे साधक 4 प्रकार के हैं, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो उनमें से 3 प्रकार के जिज्ञासु तक, यानी अर्थार्थी, आर्थ और जिज्ञासु, ये तीनों रिजेक्ट कर दिए कि ये सही भक्त नहीं है मेरे। मेरा भक्त है ज्ञानी, ज्ञानी आत्मा, उसको ये पता लग गया कि एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, आन उपासना त्याग देनी चाहिए, और मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त होता है। इस दृष्टिकोण से उस ज्ञानी आत्मा ने वेदों को पढ़ा, उसमें से निष्कर्ष निकाल लिया कि एक ही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है जिसकी पूजा करने से मोक्ष होगा। अब वहां वेद में और गीता में मंत्र ब्रह्म का है और महिमा पूर्ण ब्रह्म की है। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, वेद मेरा भेद है पर मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। तो ऋषियों ने, ज्ञानी आत्मा ने, जिन्हें भगवान चाहिए था, ओम नाम का जाप सेलेक्ट कर दिया वेदों और गीता से, और साधना तप, घोर तप शुरू कर दिया। घोर तप की बीमारी इस काल ने ब्रह्म महाकाल आई थी, जब यू कमल के फूल पर बैठा था अकेला, आकाशवाणी कर दी, तप करो तप करो। तो ब्रह्मा जी ने ये आकाशवाणी पूर्ण परमात्मा की मान ली, या थी काल की, तो तपस्या शुरू कर ली। तो इन ऋषियों ने अपने इस ओम नाम के जाप में या तपस्या और ठोक ली, यानी ये व्यस्त बना दिया। हठ योग किसी भी शास्त्र में नहीं, हठ योग करने का किसी में भी नहीं, इन्होंने सभी ने हठ योग किया, ब्रह्मा ने किया, विष्णु ने किया, शिव ने किया, और सब ऋषियों ने किया। तो वो भी पार नहीं हुए, उन्होंने उनमें भी जो है ना ये ईर्षा, राग, द्वेष, महिमा भरी रही। एक चुनक नाम के ऋषि थे, उन्होंने इसी तरह वेदों के अनुसार साधना की, हठ काफी समय तक तप किया, ओम नाम का जाप किया, एटम बम बन गया। मानदाता चक्रवर्ती राजा की 72 करोड़ सेना थी, उसको अपनी सिद्धि शक्ति थे, अपनी कमाई जो हठ योग करके जो उसने तोप बना ली थी और साधना की सिद्धियां जो कमाई थी इकट्ठी की थी, उसका दुरुपयोग करके मानदाता चक्रवर्ती, यानी पूरी पृथ्वी का राजा था वो, उसकी सेना को मार डाला, अपने उस सारे जीवन की कमाई का यूं दुरुपयोग कर लिया। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में कहा कि ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, ये परमात्मा के लिए नछावर है, लेकिन ये पुण्यात्मा मेरे वाली अनुतम गति में स्थित है, क्योंकि ब्रह्म साधना भी मोक्षदायक नहीं है, ऐसी ही दुखदायक है। कि जैसे उस तुड़क ऋषि ने साधना की परमात्मा पाने के लिए, भगवान मिला नहीं उसके लिए, तो छुरी बना ली, निराकार है, दिखता को नहीं, और उससे होगी सिद्धियां, वो एटम बम बन गया, उसका दुरुपयोग करके और सब ऋषियों में सुप्रीम हो गया। और को हो भाई, उसने इतना काम कर दिया, 72 करोड़ सेना मार दी अपनी पुतलियों से,
इससे ये ऋषि पा किए, इनकी महिमा होगी, डरते इनको प्रणाम कर छेड़ियो ना, क्योंकि तो धरड़ है, सर्प बन गए, नंबर डंक बन गया, और कुछ छेड़ा उसका डंक मार दे, आप पढ़ रहे फिर सांप था। तो परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, बेहतरक सोनी खा गया वो चुनकृत ईश्वर एक, दे धारे जोरा फरिये सभी काल के बेख। बेहतरक सोनी खा गया ये चुनक ऋषि ईश्वर, ऋषियों में भी महान ऋषि माना जाने वाला बेहतरक सोनी खा गया, और चुनक ऋषि ईश्वर एक कहते हैं दे धारे या मौत फिरे, ये ऋषि नहीं है तो मौत थी चलती फिरती, ये सभी काल के भेख, ये ब्रह्म तक के साधक, काल के साधक, काल के भेख। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में स्पष्ट किया है कि बहु नाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपत्ये, और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है, ये बहुत जन्म जन्मांतर के किसी अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा ब्रह्म तक की साधना करता, नहीं तो नीचे के भैरव भूत बेतालों में देवताओं में उड़ते रहते हैं। और ये बताने वाला कि वासुदेव यानी पूर्ण परमात्मा ही भक्ति भक्ति के योग्य है, वही मोक्षदायक है, वही पाप नाशक है, वही पूजा के योग्य है, उसी की भक्ति करनी चाहिए, नथिंग एल्स, ये बताने वाला साधु तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। सहमात्मा सुदुर्लभ है, तो यहां व्यास जी भी यही कह रहे हैं कि जो इस मन के मैल ने धो दे, ऐसा सत्संग करने वाला संत आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंद, और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंद, जाग जाग नर जागरी। भाई इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात जाग जाग नर जाग रे, उमदा चोला बैणा अनमोला लगे दाग पे दाग रे, उमदा चोला बैणा अनमोला लगे दाग पे दाग रे, दो दिन की गुजरान जगत में क्यों जले दराणी आग रे। और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जागरी। भाई कुबद का चढ़ी चढ़री चित पे तू होया मनुष्य से नागरे, कुबद का चढ़ी चढ़री चित पे तू होया मनुष्य नागरे, सूझे नहीं सजन सुख सागर ये बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग। भाई हर सुमर सो हंस कवावे यो कामी क्रोधी कागरे, हर सुमर सो हंस कवावे यो कामी क्रोधी कागरे, बौरा न भर में विष के बन में चल बेगमपुर बागरे, चल बेगमपुर बागरे। और बात तेरे के
क्या सोवे गफलत में बंदे, भाई शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी यु पाया अटल सुहागरे, शब्द सैन सतगुरु की पहचानी पाया अटल सुहागरे, नितानंद महबूब गुमानी परगटे पूरण बागरे, परगटे पूरण बागरे। और बात तेरे जाग जाग नर जागरे, और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लागरे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जागरे, जाग जाग नर जाग। सत साहि किसी भी सदग्रंथ या संत के विचार आप देखोगे, सर्वप्रथम परम संत की आवश्यकता पर जोर दिया है। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि अर्जुन उस पूर्ण परमात्मा के तत्व ज्ञान के बारे में मैं अपरिचित हूं, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर उनके सामने प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत आपको तत्व ज्ञान कराएंगे। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 में यही प्रकरण दिया है कि तत्वदर्शी संत ही आपको यथार्थ ज्ञान बताएंगे। इससे सिद्ध है कि गीता जी का ज्ञान इनकम्प्लीट है और गीता ज्ञान दाता सर्वज्ञ नहीं है और वेद ज्ञान दाता भी सर्वज्ञ नहीं है। उसने भी इन गीता और वेदों से भिन्न ज्ञान जानने वाले उस तत्वदर्शी संत की तरफ संकेत किया है। और इसी प्रकार ये महात्मा नितानंद जी कह रहे हैं, भले ही ये विष्णु जी के उपासक थे लेकिन टर्म एंड कंडीशन एक जैसी ही होती है। जैसे कोई बच्चा खेल में खेलता है डिस्ट्रिक्ट सत्र पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी जिला सत्र पर, तो नियम वही होते हैं। और कोई खेलता है फिर राज्य सत्र पर, कोई फिर अपना नेशनल सत्र पर, देश के आखिरी जो मैच होता है, और फिर इंटरनेशनल स्तर पर यानी विदेशों के साथ भी जो खेल खेलता है, तो सबके नियम एक जैसे। सर्वप्रथम संत पूरा हो और फिर शिष्य भी पूरा हो, यानी प्रत्येक मर्यादा का पालन करता हुआ इस राम नाम के गेम न खेले जब सफल होगा। कहते हैं बाजी से राजी नहीं ये संता नाल खुशहाल, ये मल अखाड़ा जीतेंगे भाई युग युग के माल। ये भक्ति रूपी अखाड़े में आप जी सिलेक्ट हुए हो, आप ना जाने कितने जन्मों तो भक्ति करते हुए आ रहे हो। जैसे एक पहलवान होता है, वो पहले बहुत प्रैक्टिस करता है, घी घ्या खाता है, मालिश करता है, दंड पेलता है, तब की तब वो कुश्ती लड़ता है तो सफल होता है। तो उन्हीं में से सफल होते हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप जी काफी युगों से आ रहे हो इस भगवान के बल अखाड़े में, पहलवान हो, सभी बहन बेटी भाई बुजुर्ग जितने भी बच्चे बूढ़े, ये पिछले जन्म जन्मांतर के खिलाड़ी हो उस माल्य के खेल के, तो इन्हीं में से पास होंगे, इन्हीं में से पार होंगे। कहते हैं बाजी से राजी नहीं ये संतानाल खुशहाल, ये मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब, अल्लाहु अकबर, ये वही परमात्मा है जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है,